आज मैं थोड़ा स्पीड में बोलने वाला हूँ, तो सारे बच्चे जो है ध्यान से सुनना है बात, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए ICSI ने आपके मेल में जो है कर दिया है, मेल कर दिया है आपका ID पासवर्ड मॉक टेस्ट के लिए। ICSI थोड़ा पगला गया है, मैं बताना चाहता हूँ हर स्टूडेंट को, थोड़ा बहुत पगला गया है, क्योंकि अब तक ICSI बोल रहे थे कि कोई भी ब्राउज़र चलेगा, लेकिन अभी ब्राउज़र उन्होंने दे दिया, सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र करके दे दिया उन्होंने। चलो ठीक है, अभी SEB जो कि सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र है उसको डाउनलोड करना है। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। जिन स्टूडेंट को मेल नहीं मिला है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मेल जो है आप एक बार अपने स्पैम फोल्डर को चेक करो अच्छे से, 90% बच्चों का स्पैम फोल्डर में मिल जाता है, और बाकी 10% बच्चों जिनको स्पैम फोल्डर में नहीं मिला है मेल, वो लोग ICSI को अभी के अभी कंप्लेंट करें, ठीक है, कि मेरे को मेल नहीं मिला है। अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप 29 अगस्त के स्टूडेंट हो, आपको मेल नहीं मिला है, ये ICSI को कंप्लेंट करें। कंप्लेन कैसे करना है, मैं बहुत टाइम पहले से वीडियो डाल के रखा हूँ कि कंप्लेन कैसे करना है, कैसे बात पूछना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, राइट। उसके अलावा फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रहा है तो मेरे को टेक्स्ट करना, मेरे को टेलीग्राम के ऊपर टेक्स्ट करना, ठीक है। आज सारा दिन हूँ मैं, अच्छा, इससे टेक्स्ट करने से पहले सुनो, ये वीडियो अच्छे से देख लो, मैं इधर ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, पूरा एंड तक देखना। देखो सबसे पहले आपको क्या होगा कि आपको एक मेल आएगा, ठीक है। मेल में जो अटैचमेंट होगा, ये वाला अटैचमेंट अच्छे से देखो, ये वाला अटैचमेंट जो है ये रहेगा आपका। इस अटैचमेंट को आपको करना है, इस क्या करना है, डाउनलोड करना है। इस अटैचमेंट को डाउनलोड करेंगे तो ये ऐसे करके निकलेगा, ठीक है। ये क्या है, सेव एग्जामिनेशन ब्राउज़र का है। उसके बाद क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है ये देखो, सबसे पहला जो है क्लिक हेयर, इसको क्लिक करके डाउनलोड करना है। अभी डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का ओपन हो रहा है, किसी का नहीं ओपन हो रहा है, तो उसके लिए मैं बता दूँ एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। एक प्रोसीजर होता है, किस प्रकार का प्रोसीजर है, ये सेटअप का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है, कैसे सेटअप करना होगा, एक एक करके देखो। आपके कंप्यूटर में शो करेगा, अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग शो करेगा, क्योंकि ये जो इन्होंने दे के रखा है ये विंडोज 7 या कुछ का होगा, लेकिन जो विंडोज 10 चला रहे हैं या फिर अलग विंडोज 8 चला रहे हैं, उनका अलग दिखाएगा, लेकिन फिर भी ये जो डिटेल है ये सेम दिखाएगा। आपको रन वाला ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद उसको डबल क्लिक करना है। इंस्टॉल जब कर लोगे, आप डाउनलोडेड फाइल्स में चेक करो अपना, वो इंस्टॉलेशन दिखाएगा कि आपका इंस्टॉल हो चुका है, उसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद रन ऑप्शन होगा, ठीक है, रन ऑप्शन पे क्लिक होगा, तो यहाँ पे रन एनीवे दिया है, कहीं कहीं पे रन एनीवे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है रन एनीवे, तो सिर्फ रन होता है, तो रन पे क्लिक करना है, ओके। उसके बाद जो सेटअप है सब यस 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 करते जाना है। बहुत सारे बोलेंगे कि ये इट्स हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वार्निंग देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई हार्मफुल नहीं है, ये ICSI के टूवर्ड से आ रहा है, ये एक एक्सटेंशन है, इसलिए इसका ये वार्निंग मिल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पे यस करना है, ठीक है, कोई भी वार्निंग आए सब पे यस करना है बस। उसके बाद देखो, जब आप डाउनलोड कर लोगे ना, उसको डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद रन करने के बाद आपको ये आएगा, दो शॉर्टकट आइकॉन मिलेगा, एक है सेबी लाइट, एक है सेबी लाइट रिपेयर टूल, तो आपको सेबी लाइट पे डबल क्लिक करना है, सेबी लाइट पे डबल क्लिक करना है, ये देखो ये ऑप्शन देख रहे हो, SEB लाइट, ठीक है, इस पे डबल क्लिक करना है। तब जब डबल क्लिक करोगे तो ये आपको ये वाला सिनेरियो दिखाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है। कौन सा लॉगिन आईडी पासवर्ड सर, जो मेरे को मेल में मिला है, मेल में आपको मिलेगा सेपरेटली, ओके। उसके बाद आपको ये करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, ओके। तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे कंफर्म करके कंटिन्यू कर देना बस। उसके बाद स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करना है, ओके। उसके बाद स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करना है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक बार जो है आपका स्पेसिफिकेशंस जो है यहाँ पे दिखाएगी, ये बहुत क्रूशियल स्टेज है, इस पे अच्छे से देखो। इसमें क्या दिखाएगा, ब्राउज़र चेक करेंगे वो लोग, वेबकैम चेक करेंगे, माइक्रोफोन चेक करेंगे और नेटवर्क चेक करेंगे। इसी टाइम पे आपको चेक करना है कि अपना जो माइक्रोफोन है, ये है वो है वगैरह वगैरह, वेबकैम ये सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे लैपटॉप्स है अभी फ़िलहाल, ऐसा मेरे को मिल रहा है क्वेरीज, जिन पे जिसका जो लैपटॉप का जो वेबकैम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, या फिर बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है, या फिर चल नहीं रहा है, ख़राब हो चुका है वेबकैम, ठीक है, चल नहीं रहा है, 99% केसेस में चल नहीं रहा है वेबकैम। तो उनको क्या करना है कि लैपटॉप पे आपके ऊपर पे देखो, ऊपर में अगर आपको F10 F11 है, वहाँ पे
आपका अगर नया पीसी है, नया लैपटॉप है, तो वहाँ पे दिखाएगा एक आइकॉन कैमरा ऑन करने के लिए, तो उस पर क्लिक करके कैमरा ऑन करना है, वो एक हो ही चुका है। अगर आपके F10, F11 में कोई ऐसा नहीं है तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना है, वो रिमोटली एक्सेस करेंगे आपके लैपटॉप को, ठीक है। कहाँ पे कौन सा नंबर पे, देखो देखो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ये वाला नंबर पे, ये दो नंबर पे कॉल करना है, वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे वहाँ पे बैठे बैठे। रिमोटली एक्सेस करने के बाद वो सारे काम प्रोसीजर करने का कोशिश करेंगे, बीच बीच में कॉल कट जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कॉल कर लगातार करते रहना है उनको कि मेरा ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे वो लोग, तब तक पीछा नहीं छोड़ना, ठीक है, कॉल करते रहना। उसके बाद यहाँ पर वो लोग कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, वो देख के बता देंगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग देख के बता देंगे आपको, ठीक है, कॉल पर ही बता देंगे, तो वो लोग ठीक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये वाला स्टेप क्लियर कर लिया आपने, नेक्स्ट वाला, ये सब में ग्रीन बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे रेड बटन दिखाएगा, सब में ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब क्या हो चुका है कि सब कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आपका ये जो है पिक्चर जो है, फ़ोटो जो है, वो लिया जाएगा, ठीक है, फ़ोटो लिया जाएगा। फ़ोटो लेने के बाद आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, इस प्रोसीजर से टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये याद रखना अच्छे से। और कुछ है नहीं इसमें बोलने के लिए, सब कुछ यही है। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, ओके, मैं रिप्लाई करूँगा सबको। बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कॉल कर सकते हो, अगर ये प्रोसीजर समझ में नहीं आया तो। मेरे को कॉल करने से अच्छा है ICSI को कॉल करो, सुबह से बहुत कॉल अटेंड कर चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो इस दोनों नंबर पर कॉल करो, ठीक है, इस नंबर पर कॉल करो, रिजॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लियो, मुझसे जितना हेल्प हो पाएगा, मैं मेरे पास जितना आइडिया है सबका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।